सो हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन अ न्यू ब्लॉग। सो इस समय दोपहर के भाई ठीक 12 बज रहे हैं एंड भाई धूप ना टना टन लगी हुई है, बट फिर भी आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट करने के लिए हम निकल चुके हैं भाई घर से दूर। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं भाई चौबेपुर का रेलवे स्टेशन। एंड आज की इस ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं यहीं से, कानपुर में एक जगह है स्थिर दैट्स कॉल्ड चौबेपुर। तो भाई आज की इस ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है, दैट्स द सीन ऑफ द चौबेपुर। एंड भाई हमारा घर भी यहीं पे है, तो भाई ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड इफ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो चलो वीडियो में एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज करने वाले हैं हम भाई चौबेपुर को एक्सप्लोर, यानी माई होम नेटिव होम प्लेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये था कुछ रेलवे स्टेशन भाई, जहाँ से हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, जहाँ से हम अपना गांव जाते हैं, जहाँ से हम अपनी ट्रेन पकड़ते हैं। तो भाई इस समय फ़िलहाल हम रेलवे स्टेशन से आउट हो चुके हैं, एंड मेन एग्जिट नहीं है ये, बट जहाँ से रेलवे मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म ख़त्म होती है ना, तो वहाँ से भी एक रास्ता निकल जाता है सीधा मेन रोड की ओर। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं इसी रोड से। तो भाई देख लो कितना घना जो है ना भाई जंगल सा लग रहा है ना, थोड़ा सा डर भी लग रहा है भाई, क्या कहते हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि भाई ये छोटा सा ब्लॉग जो मैं कवर कर रहा हूँ दैट्स कॉल्ड चौबेपुर एक्सप्लोरिंग ब्लॉग्स, तो भाई पसंद आएगा आपको। एंड ना यहाँ से ना आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से आप बिठूर जा सकते हो, नियर अबाउट 7 to 10 किलोमीटर्स के आसपास बिठूर है। बिठूर के बारे में तो आपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में सुना ही होगा भाई, रानी लक्ष्मीबाई यहीं की थी बिठूर की, ठीक है। झांसी की रानी कहते हैं इसलिए क्योंकि भाई उसकी शादी हुई थी और वो झांसी गई थी रहने के लिए, मतलब उसका जो घर है ना वो यहाँ बिठूर पे है। तो यहाँ से भाई 6-7 किलोमीटर पड़ता है बिठूर। तो आज तो टाइम है नहीं, कभी टाइम रहेगा तो भाई आपको बिठूर का भी एक्सप्लोरिंग कराएंगे, कभी हम ज़्यादा दिन के लिए आएंगे तब, क्योंकि अभी हम आ रखे ऐसे बिहार 1-2 दिन के लिए, कल ही आए थे और कल निकल जाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा जगह हम जा नहीं पाएंगे। बट शाम को हम गांव जाएंगे तो भाई गांव का भी एक्सप्लोर कराएंगे आपको कि भाई हमारी गांव कैसी है। अब भाई ड्रोन तो है ही नहीं, ड्रोन होती तो और अच्छे अच्छे सूट्स होते, बट यार फिर भी कोशिश करता हूँ कि भाई हर चीज़ को दिखाया जाए आपको, भाई गांव कैसी रहती है, शहर कैसा रहता है, कस्बा कैसा रहता है। तो हमारी जो घर है ना भाई वो कस्बे में है, कानपुर से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, बट हमारे पिताजी ने यही घर बनवाया था। एंड फिलहाल तो आपको पता ही है कि भाई मैंने जो घर बना रखा वो देहरादून बना रखा है। तो भाई यहाँ से हम एग्जिट हो गए हैं, मेन रोड में हम आ चुके हैं। तो अभी ले चलते हैं यहाँ से आपको मंदिर, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ ले चलेंगे। एंड राइट नाउ ना बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। एंड वहाँ मंदिर में ना भाई स्वीट्स की शॉप भी है, तो भाई वहाँ पे ना पेड़े बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। एंड भाई चेक करना भाई, ये है वो मंदिर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये घर से थोड़ी पास में पड़ती है हमारी, हनुमान मंदिर है, बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर है, बहुत पुरानी हनुमान मंदिर है। आज से कुछ साल पहले इतना डेवलप नहीं था, लेकिन बस आज अभी आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है ये मंदिर। एंड यही पे जो है ना स्वीट शॉप लगी हुई है भाई, यहाँ से मिठाई ले जाना, संकट मोचन हनुमान धाम चौबेपुर। एंड ये देखो भाई हाईवे जब से बन गई है ना भाई काये पलट गई है, इधर की नक्शा ही बदल चुकी है भाई। मैं तो आता हूँ ना भाई कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि पहले जो ये सामने रोड दिख रहे हैं ये रोड था मेन, बट अभी सारे क्या हुआ है ना, जितने भी हाईवे कनेक्ट हुए ना, जितने भी शहर आए हैं या कस्बा आए हैं सबको बाईपास कर दिया गया है। एंड बाईपास करने से ना भाई ये सिविल रोड जो है ना वो अलग बना दिया गया है, तो भाई कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप नीचे से आओगे ना तो आप कन्फ्यूज होगे कि भाई मेरे को जाना किस साइड में है ना। तो भाई इधर से अगर आप राइट की तरफ चले जाते हैं तो कानपुर की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप कन्नौज की तरफ चले जाते हैं। तो अभी आप देखिए ऑन दी हाईवे, अभी हमने वहाँ से क्रॉस लिया था लेफ्ट हैंड साइड में, तो भाई अगर यहाँ से आगे से लेफ्ट ले लेते हैं तो चौबेपुर के लिए निकल जाएंगे। एंड राइट हैंड साइड बिठूर, बिठूर के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, दबाना द बेस्ट हिस्टोरिकल प्लेस दैट्स कॉल्ड बिठूर। भाई फिलहाल गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी फिलहाल लस्सी पीते हैं, एक लस्सी ली है हमने, लस्सी पीते हैं गर्मी को थोड़ा सा दूर करते हैं, फिर ब्लॉक को गैरियन रखेंगे। नाउ टेस्ट कैसा है पता नहीं, ट्राई करते हैं कैसा है।
ये है चौधरीपुर की छोटी मोटी मार्केट जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। बट चलो फिलहाल आप शेयर करो आप हमारी चौधरीपुर की छोटी मोटी मार्केट में जहाँ से हम लोग अपने घर के जनरल चीज़ें जो है ना वो खरीद के ले जाते हैं। बाकी कोई भी चीज़ लेनी होती है तो फिर कानपुर जाते हैं, अदरवाइज छोटे मोटे आइटम तो हम यहीं से ले लेते हैं। यहाँ लगती है बाजार, फिलहाल आज बंद है। एंड आपको पता होगा भाई कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसी में एक चौबेपुर भी अपना इंडस्ट्रियल एरिया आता है। यहाँ पे दो तीन जो है ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे लुहिया है और अपना यहाँ पे घड़ी फैक्ट्री है, जो पहले बहुत समय पहले जो LML की अपनी बाइक की स्कूटी आती थी ना वो यहीं मैन्युफैक्चर होती थी चौबेपुर में। LML का फुल फॉर्म भी वही था कि लुहिया मिक्सर लिमिटेड। खैर अब तो LML तो रहा नहीं, और कानपुर एक लेदर में भी ना बहुत जाना माना शहर था, यहाँ पे लेदर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होता था। बट अब भाई ड्यू टू पॉल्यूशन भाई एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा था, जिसके कारण से भाई लेदर की फैक्ट्री जितनी भी थी ना उसको क्लोज कर दी गई यहाँ से, तो अब थोड़ी बहुत इंडस्ट्री रह गए। भाई घूमते घूमते प्लेसेस को एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच गए भाई अपनी गली में, तो फिलहाल चलते हैं। आई होप कि भाई आपको ये छोटा सा ना भाई अपने माई हाउस माई होम नेटिव प्लेस टूर एक्सप्लोरिंग वाली वीडियोस पसंद आई होगी। इतनी कैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए यार सब्सक्राइब कर लेना। एंड भाई थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, बट क्या ही कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बिल्कुल घर के पास पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा अभी कसवा साइड में थोड़ा सा डेवलपमेंट रह गए यार भाई। एंड फाइनली भाई हम अपनी गली में मुड़ चुके हैं। सो दैट्स द माय हाउस। तो भाई फाइनली जैसे हम कमरे के अंदर अपने घर के अंदर एंटर होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिलते हैं। एंड हियर इज द माय आराध्या। नाराज हो गई का? भैया नहीं आया अभी? क्यों भैया कहाँ चला गया? भैया को तो आ जाना चाहिए था। कहाँ मैं ले एक एक तुम्हारा एक भैया का लो, फ्रिज में रखो। भैया आए नहीं? मैंने सोचा भैया आ गया होगा। ये तो बहुत जबरदस्ती कर रही। देखो माता श्री पता नहीं क्या कर रही है। यारी दस्त रवि कपड़े दिखा रहे हो।